हम बैंगलोर वापस तो आ गए, पर दिल और दिमाग अभी भी भाई की एंगेजमेंट के सेलिब्रेशन में अटका हुआ है। ये हमारे तरफ से लड़की वालों को शगुन गया था। वेल, मेरी मम्मी और नानी नानू को याद करते हुए थोड़ी इमोशनल हो गए थे। इंडियन फैमिलीज में ऐसे शुभ अवसर पर छोड़ के चले जाने वाले की याद सताती तो है। भाई ने बड़ी अच्छी तैयारी की रखी थी। नमस्ते दोस्तों, आपको पता होगा कि लास्ट मंथ हम उड़ीसा में रुके हुए थे। उस बीच हमारी नई गाड़ी की डिलीवरी हुई, कुक के साथ टाइम स्पेंड किया और लास्ट इवेंट जो था वो भाई की सगाई थी, जिसे शेयर करने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। एक हफ्ते पहले ही हम बैंगलोर आए, पर लिटरली वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर अ होल वीक। ट्रैवल की थकान, घर समेटना और उसके बीच शूट करना आसान तो ना था, पर आई एम गियरिंग अप। पहले थोड़ा अच्छे मोमेंट्स पे नज़ारे डाल लेते हैं। सिर्फ करीबी रिलेटिव्स, नानी, मौसी, बड़े पापा, फूफा, बुआ, मेरे ससुराल और लड़की वालों के तरफ के रिलेटिव्स के बीच ये फंक्शन हुआ था। बड़ा अच्छा माहौल था। मैं तो अभी से शादी की टाइम का वेट कर रही हूँ। बड़े मजे आए, गाने से लेके खाने और खाने से लेके नाचने तक सब दिल खोल के एंजॉय कर रहे थे। रूही को भी कंपनी मिल गई थी। वक्त तो यूं ही निकल गया। एक महीने की उड़ीसा की ट्रिप एंड हुई। उसके दो दिन बाद वी स्टार्टेड अ जर्नी बैक टू बैंगलोर। नई गाड़ी को अपनी जगह पर वापस लाना था और ये हमारी थर्ड टाइम है बाय रोड जाने का। दस घंटे की ड्राइव दो दिन लगातार करनी पड़ती है। हाँ, सेकेंड डे आफ्टर लंच उतना पेशेंस नहीं रहता, और इस बार तो इतनी जम के बारिश हुई कि देयर वाज जीरो विजिबिलिटी। Anyways, थोड़ा लेट से पहुंचे, बट वी रीच्ड सेफली एंड आई एम बैक टू माय डेली ग्रिड्स। उसके बाद वाला वीक आई टुक टाइम टू रीसेट माय होम। धीरे धीरे आई क्लीन माय स्पेस। पहले मेरे लिस्ट में रूही का वार्डरोब डिक्लटर करने का था। पुराने बुक्स डिस्कार्ड करके नए वाले के लिए जगह बनानी थी। सो आई स्लोली स्टार्टेड सॉर्टिंग एंड सेपरेटिंग। कुछ फ्यूचर रेफरेंस के लिए साइड पर रखा था बुक्स। ये एक प्यारी सी DIY किट है, रूही बड़े इंटरेस्ट से बनाई थी, तो फेंकने का मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने उसकी कबर्ड पे ही चिपका दी। नेक्स्ट मुझे इस ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करना था ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। इट वाज ओवर स्टफ्ड विद स्टेशनरीज। चीज़ें अंदर से गिर जा रही थी और ड्रॉ स्टक हो रहा था, तो आई कुडंट इग्नोर। और ऑर्गेनाइज करना बड़े दिमाग और खर्चे वाला काम है। मैं छोटे स्पेसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर पे ही भरोसा करती हूँ, अनलेस इट्स विजिबल। तो मैंने ये पेपर बैग से ऑर्गेनाइजर बनाया टू क्रिएट अ लिमिट टू द स्पेस, और जिससे सब अच्छे से नीटली स्टोर हो सके। आज के दिन में लिस्ट में ग्लास डोर्स भी थे। पानी के छींटे मोस्टली यूटिलिटी के डोर पर अपना जगह बना लेती हैं। हैंडल्स पे भी काफ़ी दाग रहते हैं, तो मैंने उन्हें ध्यान दिया।
आई टुक एवरीथिंग ऑन अ स्लो बेसिस क्योंकि बहुत टायरिंग जर्नी था और अब स्कूल्स भी खुल गए हैं। मुझे एनर्जी अपनी प्रॉपरली यूटिलाइज करनी थी तो आई डिडंट जंप इनटू थिंग्स रेस्टलेसली। नेक्स्ट डे मुझे बेडरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी तो मैंने वो रैप किया। जाने से पहले मैंने बेडरूम किया नहीं था क्योंकि सीट चेंज करना ही पड़ता आने के बाद, तो इस काम को मैंने पेंडिंग ही रखा था। आई क्लीन एंड डिड सूटिंग साइमल्टेनियसली, तो मेरी जो वाट लगी भाई, आई मस्ट टेल यू, ये क्रिएटिव और कॉन्टेंट क्रिएटिंग जर्नी इतना आसान नहीं है। मन दिखाना तो बहुत चाहता है पर कभी कैमरा साथ छोड़ देता है तो कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। व्हाट यू सी, मेरी लाइफ 10 times स्पीड मोड पे चलती है। लाइनिंग के कवर भी चेंज करने थे तो लॉन्ड्री में डाल के आई फिनिश डस्टिंग दिस एरिया। और फर्श साफ करने के लिए आई यूज द वैक्यूम ताकि ये डस्ट और कहीं ना फैले। मैंने कारपेट्स भी वैक्यूम कर लिए हैं पर मुझे क्लीनिंग थेरेपी लगती है तो कुछ मैं मन की शांति के लिए भी बचा के रखी थी। शाम तक आई केप माई सेल्फ फ्री। एक कप गरम चाय के साथ मैं बैठी सबसे दिमाग वाला काम करने। रूही पापा पे गई है, उसे भी खाने का बहुत शौक है। स्कूल्स ओपन हो रहे हैं तो पहले मुझे मील प्लान बनानी है एक हफ्ते के लिए। रूही की मेन्यू की प्लानिंग मैं पहले से करके रखती हूँ और अपना अलग करती हूँ। मैंने एक पूरी वीडियो उस पर बनाई है मील प्लानिंग पे, मैं फर्स्ट कमेंट पे लिंक डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। और फिर स्टॉक का एक जायज़ा लेके मुझे ग्रॉसरी का लिस्ट भी बनाना था। ये सब दिखती आसान है पर हाँ, इसमें मेहनत भी लगती है और दिमाग भी, तभी तो वी आर होम मेकर्स, मल्टीटास्किंग के मिनिस्टर हैं हम। और ये इस वीक का लास्ट टास्क था जो मेरे टू डी लिस्ट पे पेंडिंग था। इसके बाद मुझे इस वीक किचन और लिविंग रूम की क्लीनिंग भी करनी है, देखते हैं कितनी दूर हो पाता है। इन स्टिकर्स पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ये वाटरप्रूफ हैं कि नहीं। वेल, हियर आई एम ट्राइंग आउट एंड टेस्टिंग। सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप चेक कर सकते हैं। एक वीक का मील भी प्लान्ड है। आई कांट से हाउ प्रोडक्टिव दिस वीक वॉज। वैसे उम्मीद है कि आप इस ब्लॉग से रिलेट कर पा रहे होंगे। एक नए ब्लॉग में मिलते हैं फिर जल्दी। चलिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।